फ्रेंड, 2 साल के बाद स्टॉक लगभग दोस्तों 22 महीने के बाद एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया और 22 महीने का जो हाई था उसको ब्रेक करके एक नया हाई बनाया दोस्तों। इस नया हाई का प्राइस है 75 पैसा दोस्तों, और इसको लेके मेरे पास आया बहुत सारा कमेंट, तो इसकी वजह से स्टॉक को मैं उठाया दोस्तों। देखने से 75 पैसे का स्टॉक है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर DIS का होल्डिंग लगभग दोस्तों 57% से भी ज्यादा, 57% से भी ज्यादा इसके अंदर DIS का होल्डिंग है दोस्तों। और कंस्ट्रक्शन दुनिया का स्टॉक है दोस्तों, अभी कंस्ट्रक्शन का दुनिया का स्टॉक बहुत अच्छा चल रहा है और स्टील सेक्टर का स्टॉक बहुत अच्छा चल रहा है। तो मेरे ख्याल से जिसने मेरे को कमेंट किया दोस्तों, अगर आपका पोर्टफोलियो में है तो होल्ड करिए, ये अभी आसमान छूने के लिए अपना टेक ऑफ कर चुका है, आसमान छूने के लिए टेक ऑफ कर चुका है दोस्तों। चलिए अभी स्टॉक के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो फ्रेंड आपके सामने आ गया कंपनी के बारे में, प्रोमोटर होल्डिंग आपको देखने को मिला 15.51% का, लेकिन दोस्तों यहाँ पे DIS का होल्डिंग देख लीजिए, चौंकाने वाली बात है, 57.99% DIS का होल्डिंग। दोस्तों डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर जिसके ऊपर मार्केट बहुत सा, जिसके ऊपर इंडियन मार्केट मैक्सिमम टाइम अप डाउन करते हैं, जिसका बाय सेल के ऊपर डिपेंड करके, मतलब आप बोल सकते हैं इंडियन मार्केट का जायंट है दोस्तों DIS, उसका पास अगर इतना बड़ा होल्डिंग है तो सोचिए कितना बड़ा पॉजिटिव बात है। DIS इधर उधर मान ली पैसा नहीं लगाता, लेकिन DIS यहाँ पे पैसे लगा के रखा, मतलब आप सोचिए एक बहुत बड़ा बात है। और एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, मैं आपको इससे पहले भी बोला था, जब स्टॉक पेनी स्टॉक में लिस्टिंग होता है, जब स्टॉक पेनी स्टॉक में लिस्टिंग होता है तो वहां पर पैसे लगा सकता है। स्टॉक पेनी स्टॉक में लिस्टिंग, पेनी स्टॉक में बहुत सालों से पेनी स्टॉक में है, और अगर इस 75 पैसे का ब्रेकआउट दोस्तों, 75 पैसे का ब्रेकआउट अगर सही में 2 साल के बाद का सबसे बड़ा ब्रेकआउट होगा, तो हो गया ऑलरेडी, तो मेरे ख्याल से ये 75 पैसे का स्टॉक आपका किस्मत खोल सकता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इसका फाइनेंस कंडीशन पहले से अभी बहुत अच्छे डेवलप हुआ, प्रोमोटर का जो अपडेट निकल का है, प्रोमोटर बहुत पॉजिटिव है एट द मोमेंट, इनसाइडर बायर यहाँ पे हावी हो रहा है, इनसाइडर बायर मतलब खुद कंपनी के अंदर से यहाँ पे बाइंग हो रहा है, ये भी अच्छा बात है दोस्तों। अभी हम लोग अगर बात करें कंपनी का बिजनेस क्या है दोस्तों, कंपनी का क्या कामकाज किया इतने दिन, वो एक बार देख लेता, चलिए उसके चलते आपको जाना पड़ेगा इसका वेबसाइट में, वेबसाइट में आने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा इसका प्रोजेक्ट, देखिए ये सब प्रोजेक्ट इसका प्रोजेक्ट है दोस्तों। डेफिनेटली कंपनी अच्छा है, नामी कंपनी है, देखने से छोटा सा पेनी स्टॉक है, लेकिन इसका कंडीशन बहुत अच्छा है। अगर आप इसके अंदर मिनिमम 100 रुपीज भी इन्वेस्ट करोगे, मैं आपको ज्यादा नहीं नहीं करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, और 100 रुपीज भी इन्वेस्ट करोगे, अगर सेम स्टॉक इसी से चल रहा, जस्ट अपडेट चल रहा, सेम चलते रहेगा, तो अगर 75 पैसे का स्टॉक दोस्तों, सिर्फ 75 पैसे का स्टॉक अगर 5 पैसे भी चला जाएगा, तो सोचिए इस यहाँ पे आपको कितना गुना मुनाफा मिलेगा, और भी कितना शॉर्ट टर्म के अंदर, क्योंकि दोस्तों ब्रेकआउट लगभग 22 महीने के बाद ब्रेकआउट हुआ, तो इसके चलते मैं आपको बोल रहा था दोस्तों, इस स्टॉक के अंदर अभी इस लेवल पर आप पैसे लगा सकते हो दोस्तों। देखिए स्टॉक के बारे में देख लीजिए, इसका लास्ट डे का वॉल्यूम आपको देखने को मिला दोस्तों, देखिए लगभग आपका 3 लाख से भी ज्यादा इसके आपको वॉल्यूम देखने को मिला, 3 लाख से भी ज्यादा इसके अंदर वॉल्यूम देखने को मिला, और इसके अंदर एक